नाउ नेक्स्ट, किसी भी मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं, जो अगला है मेटलिक कोटिंग। मेटलिक कोटिंग के थ्रू भी हम लोग मेटल को सेव कर सकते हैं कोरोजन से, हम उसे कोरोजन से बचा सकते हैं। अब मेटलिक कोटिंग है क्या, थोड़ा इस पर देखते हैं हम लोग उसके डेफिनेशन में। मेटलिक कोटिंग, सरफेस कोटिंग मेड अप ऑफ मेटल्स आर नोन एज मेटलिक कोटिंग्स। यानी कि जो हमारा मेटल है जिसको हम बचाना चाहते हैं कोरोजन से, हम उस पर किसी दूसरे मेटल की क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं। दिस कोटिंग सेपरेट द बेस मेटल फ्रॉम द कोरोसिव एनवायरमेंट एंड आल्सो फंक्शंस एज एन इफेक्टिव बैरियर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बेस मेटल्स। यानी कि एक बैरियर की तरह यह काम करता है। ये क्या करते हैं कि जो बेस मेटल है जिसको हमें प्रोटेक्शन करना है, कोरोजन से बचाना है, वो और उसके ऊपर जो आपका कोटिंग हुई दूसरे मेटल की, वो दूसरे मेटल की कोटिंग एक बैरियर की तरह कोरोसिव एनवायरमेंट से इस बेस मेटल जिसको हमें प्रोटेक्शन से बचाना है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसको सेफ रखता है एक बैरियर की तरह। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सपोज दैट ये आपका मार्कर है, ये मार्कर बेस मेटल है जिसे हमें बचाना है कोरोजन से। हमने क्या किया, ये सपोज दैट ये दूसरा मेटल है, हमने इसके ऊपर कोटिंग कर दिया, इस तरह से कोटिंग कर दिया। अगर कोटिंग कर दिया तो ये हमारा बेस मेटल हो गया, और ये जो आपका पेपर का जो यहाँ पर रैपिंग किया हुआ है, ठीक है, ये आपका हो गया प्रोटेक्टिव, ये आपका मेटल कोटिंग हो गई, जो हमारा ये प्रोटेक्टिव करेगा किसका, प्रोटेक्ट करेगा किसका, मेटल का। ओके, नेक्स्ट, ये कितने टाइप के होते हैं, दीज आर टू टाइप्स, ठीक है। पहला है एनोडिक कोटिंग और दूसरा है कैथोडिक कोटिंग। तो पहले एनोडिक कोटिंग को देखते हैं। एनोडिक कोटिंग क्या है, इसमें जो जिस मेटल का हमें कोट करना है, कोटिंग करना है, वो मोर एनोडिक होगा देन बेस मेटल से। यानी कि बेस मेटल से ज्यादा एनोडिक कौन सा होगा, कोटिंग मेटल, ठीक है, ये ज्यादा एनोडिक है, ये लेस एनोडिक होगा। तो जब इसकी हम कोटिंग कर देंगे तो क्या होगा, सबसे पहले अगर मान लो कोरोजन होता भी है तो किसका होगा, इस मेटल का होगा, यानी ये इसका होगा। और उसके बाद जब पूरा कोरोसिव ये पूरा खत्म हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, उसके बाद इसका नंबर आएगा, बेस मेटल का आएगा। मतलब कह सकते हैं कि जो कोटिंग मेटल है ये सैक्रिफाइस कर रहा है किसके लिए, बेस मेटल के लिए। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। इन दिस कोटिंग द मेटल विच इज यूज्ड फॉर कोटिंग इज मोर एनोडिक। देखिए इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है मोर एनोडिक, यानी कि जिस मेटल की हम कोटिंग कर रहे हैं वो मोर एनोडिक होगा देन द मेटल विच इज टू बी प्रोटेक्टेड। यानी जिसको हमें प्रोटेक्ट करना है, और जिसको प्रोटेक्ट करना है वो हमारा क्या है, बेस मेटल है, ठीक है। एनोडिक कोटिंग प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग बेस मेटल सैक्रिफिशियली। यानी कि सैक्रिफिशियली मतलब कि ये हुआ कि अपने आप को पहले वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, पहले वो कोरोजन होगा उसके बाद बेस मेटल करेंगे, यानी कि इसने सैक्रिफाइस किया है। क्लियर है, जैसे कि गैल्वेनाइजेशन, इसका एग्जांपल आप सभी जानते होंगे गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं, इसमें जिंक की कोटिंग होती है, किस पर, स्टील पर। तो स्टील क्या हो गया, बेस मेटल हो गया, और जिंक जो हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, मेटल, यानी कि एक एनोडिक कोटिंग हो जाएगा। क्यों, जैसे देखिए ये है स्टील आयरन, और इसके ऊपर जो कोटिंग हुई है वो किसकी हुई है, जिंक की, जिंक। तो जिंक इज अ मोर एनोडिक, मोर एनोडिक, और आयरन क्या है, लेस एनोडिक, लेस एनोडिक, ठीक है। तो जिंक मोर एनोडिक, तो इसका क्रोधन पहले होगा और फिर उसके बाद इसका होगा। तो हमारा क्या हो गया, जो बेस मेटल है ये आयरन, जो बेस मेटल है ये बेस मेटल है, ये हमारा क्या होगा, सेफ हो जाएगा, ये हमारा प्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कैथोडिक कोटिंग।
कैथोडिक कोटिंग है तो अच्छा, इसमें जो हमारा मतलब कि कोरोजन रेजिस्टेंस वाले जो आपके मेटल होते हैं उसकी कोटिंग होती है, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है, यानी कि कैथोडिक कोटिंग ये ज्यादा इफेक्टिव है लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक हैं। ड्रॉबैक ये हैं, जब हम कोटिंग करेंगे तो पूरी यूनिफॉर्म होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, कहीं ब्रेकिंग नहीं होना चाहिए, कहीं पोर नहीं होना चाहिए। देखो क्रोजन होता किसमें है, एनोड में होता है, कैथोड में तो होता नहीं है। अगर हमने कैथोडिक प्रोटेक्शन कर दिया, ठीक है, यानी कैथोडिक कोटिंग कर दिया, तो उस केस में कैथोड तो उसको पूरी तरीके से बेस मेटल को कवर कर लिया है, लेकिन कहीं पर अगर कैथोडिक कोटिंग में कहीं ब्रेकिंग आ गई या कहीं पर वो पोर आ गया, ठीक है, या कहीं पर कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूटीज में वो आपका यूनिफॉर्मली उस पर कोटिंग हुई है, तो वो उस जगह से फिर से कोरोजन स्टार्ट कर देगा। जैसे आप देखिए यहां पर, देखिए जैसे कि ये सपोज दैट ये आपका स्टील है, आयरन है, और इस पर हमने टिन की कोटिंग कर दिया, टिन की कोटिंग कर दिया, अब ये हमारा कैथोडिक होगा और ये एनोडिक होगा, ये एनोडिक है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये टिन, ठीक है, कैथोडिक है, कोरोजन हो ही नहीं सकता, कैथोड पे कभी कोरोजन होता नहीं है। अगर कहीं पे ये ब्रेक कर गया यहां पर, ये देखिए यहां से, तो जब यहां से ब्रेक कर गया तो अब ये जो आयरन है अभी एक्सपोज हो गया एयर में, तो अब यहां पे कोरोजन स्टार्ट कर दे, यानी कि पूरा यूनिफॉर्म होना चाहिए यहां पर। तो इस तरीके से यहां पर कैथोडिक कोटिंग करते हैं। जैसे इसके डेफिनेशन देख लीजिए, दिस कोटिंग प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग बेस मेटल, यानी कि उसके अंदर जो ऊपर कोटिंग होगी मेटल की, अंदर साइड क्या है, बेस मेटल, ड्यू टू देयर नोबल करेक्टर एंड हायर कोरोसिव रेजिस्टेंस। यानी कि जो कैथोडिक कोटिंग होती है ये नोबल करेक्टर, मतलब ये हुआ कि उसमें क्रोजन होगा ही नहीं, यानी वो क्रोजन से हमारा क्या करेगा, वो सेफ करेगा मेटल को, ठीक है। एंड इन सच कोटिंग इफेक्टिव प्रोटेक्शन इज पॉसिबल ओनली व्हेन दे आर कंप्लीटली कंटिन्यूअस। अगर वो कंप्लीटली कंटिन्यूअस में है, यानी यूनिफॉर्मली वो पूरी कोटिंग हुई है बेस मेटल के ऊपर, तो वो हमारा सेफ है, लेकिन ठीक है, एंड फ्री फ्रॉम पोर्स, ब्रेक्स और डिसकंटिन्यूटीज, यानी कि यहां पर पोर नहीं होने चाहिए, कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए और डिसकंटिन्यूटीज नहीं होना चाहिए, यानी फ्री फ्रॉम पोर्स, ब्रेक्स एंड डिसकंटिन्यूटीज। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर उसको आप सेफ नहीं कर पाओगे, यानी कैथोडिक प्रोटेक्शन, कैथोडिक कोटिंग इज वेरी गुड कोटिंग, लेकिन किस केस में, जब वो पूरी तरीके से कंप्लीटली क्या हो, कंटिन्यूअस में। ओके, नाउ वी आर यूज अनदर मेथड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कोरोजन, ठीक है। तो ये होगा बाय यूज ऑफ कोरोजन इनहिबिटर्स, ठीक है। कोरोजन इनहिबिटर के थ्रू हम यहां पर प्रोटेक्शन करेंगे, ठीक है। ये करते क्या है, उस कोरोजन प्रोसेस को ये स्टॉप करते हैं, ठीक है। इसको जैसे देख लेते हैं हम, अ कोरोजन इनहिबिटर इज अ सब्सटेंस विच व्हेन एडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज टू द एक्वस कोरोसिव एनवायरनमेंट इफेक्टिवली डिक्रीजेस द कोरोजन ऑफ अ मेटल। यानी कि इस इनहिबिटर सब्सटेंस को अगर हम एक्वस कोरोसिव एनवायरनमेंट में ऐड कर दें, उसमें मिक्स कर दें, तो हमारा जो कोरोजन प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है। यानी वो कोरोजन प्रोसेस, वहां ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो हुआ, लेकिन वो फर्दर जो है आपके कोरोजन, यानी कि आपका कोरोड फॉर्म नहीं करेगा, यानी कि रस्ट फॉर्म नहीं करेंगे। तो उसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं, एक होता है एनोडिक इनहिबिटर्स और एक होता है कैथोडिक इनहिबिटर्स। एनोडिक इनहिबिटर्स क्या होते हैं, इट स्टॉप द कोरोजन रिएक्शन अकरिंग एट द एनोड, ठीक है। अब एनोड पर जो कोरोजन रिएक्शन होता है वो कौन सा होगा, ये होगा मेटल आयन के फॉर्म में जाने का रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल,
जैसे हमने यहाँ पे आयरन लिया है Fe, यहाँ समझिएगा Fe गया किसमें, Fe2+ और ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज कर दिया, ठीक है। यानी कि मेटल आयन, मेटल एटम किसमें चेंज हुआ, किसमें गया, मेटल आयन यानी कि फेरस आयन में, और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज हुए, तो इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ये होता कहाँ पे है, आपके मेटल पे होते हैं, और जिसमें ये रिएक्शन होता है वो क्या होता है, एनोड होते हैं। तो मतलब ऐसे आपके इनहिबिटर्स इसमें हम ऐड कर देंगे जिससे कि ये जो हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है ये स्टॉप हो जाएगा, ये फर्दर नहीं होगा। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, क्रोमेट्स फॉस्फेट। तो क्रोमेट करेगा क्या, क्रोमेट इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और उसी के ऊपर एक लेयर फॉर्म कर लेगा, उसी मेटल सरफेस पर एक लेयर फॉर्म कर लेगा। तो मेटल सरफेस पर जब लेयर फॉर्म हो जाएगी तो फर्दर ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। कैथोडिक इनहिबिटर्स क्या होंगे, कैथोडिक इनहिबिटर्स में इट स्लोविंग डाउन, स्लोविंग डाउन कम कर देते हैं, इट स्लोविंग डाउन द डिफ्यूजन ऑफ H+ आयंस टू द कैथोड, द डिफ्यूजन ऑफ H+ आयंस इज कंसिडरेबली डिक्रीज्ड बाई ऑर्गेनिक इनहिबिटर्स। यानी कि कैथोड एरिया में कौन सा रिएक्शन होता है, कैथोड एरिया में रिडक्शन रिएक्शन होता है, उसमें H+ आयन फॉर्म होते हैं। अब वो H+ आयन आपके मेटल से क्या गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जब तक वो मेटल से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा तब तक फर्दर जो है रिएक्शन क्रोजन का नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, ये कैथोडिक इनहिबिटर उसमें ऐड कर देंगे, जैसे कि हमने यूज किया एमीन्स, यूज किया मर्केप्टेंस, यूज किया यूरिया, यूज किया, जब उसको उसमें हम मिक्स कर देंगे तो जो H+ हमारा ये बना हुआ है, यानी कि कैथोडिक कैथोड पर जो बना हुआ है, ठीक है, ये H+ एमीन से RnH2 से रिएक्ट कर गया, RnH2 से रिएक्ट कर गया तो अमोनियम आयन फॉर्म कर लेगा NH3+। जैसे ही अमोनियम आयन फॉर्म कर लेगा तो फर्दर इलेक्ट्रॉन को नहीं लेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन सा है, H+ आयन, यानी H+ को हमने यहाँ पे इनहिबिट किया, किसके थ्रू किया, इस ऑर्गेनिक इनहिबिटर्स के थ्रू, ऑर्गेनिक इनहिबिटर्स के थ्रू। तो ऑर्गेनिक इनहिबिटर्स ने क्या किया, ऑर्गेनिक इनहिबिटर्स ने जो यहाँ पर H+ आयन फॉर्म हुआ था उसको हमने क्या किया, डिक्रीज किया, उसके प्रोसेस को हमने क्या किया, डिक्रीज किया, या उसको वहां पर इनहिबिट किया, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका बाय यूजिंग कोरोजन इनहिबिटर्स के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है, फोर्थ पॉइंट आप देखिए यहाँ पर है ऑर्गेनिक कोटिंग। ऑर्गेनिक कोटिंग बहुत कॉमन है, आपके घर में जब नया किसी मेटल का कोई आर्टिकल्स आता है, ठीक है, जैसे कि डोर आ गया है ना, विंडो आ गई है ना, तो क्या करते हैं उस पर पेंट करते हैं। तो जो पेंट करने का जो प्रोसेस है यही क्या है, ऑर्गेनिक कोटिंग है। हम उस पर पेंट कर देंगे, वर्निशेस करेंगे, इनेमल्स उस पर करेंगे, तो इससे हमारा क्या होता है, प्रोडक्शन हो जाता है, क्लियर है। ऐसे ही अगला एक नेक्स्ट प्रोसेस है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन बाई मटेरियल सेलेक्शन एंड डिजाइन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग क्या करते हैं अलग अलग तरीके के डिजाइन बनवाते हैं, ठीक है, विंडो की डिजाइन ऐसे होनी चाहिए, इस पर ऐसा कर्व होना चाहिए, डोर का डिजाइन ऐसे होना चाहिए, तो उसमें क्या होता है कि एक प्रॉपर सिलेक्शन नहीं हो पाता, एक प्रॉपर डिजाइन नहीं होता जिससे कि हम कोरोजन को रोक सके, ठीक है। जैसे कि अगर उसका शेप एल है, टी है, यू है, इस टाइप से है, ऐसे है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इस यहाँ यहाँ पर कोरोजन के जहां कर्व पॉइंट होता है वहां पर मॉइस्चर के कलेक्ट होने का चांसेस ज्यादा होता है, जिससे कि वहां पर कोरोजन का रेट बढ़ जाता है, ठीक है। ऐसे ही नेवर यूज डिजाइन इन विच रिलेटिव साइज ऑफ द कैथोड एंड एनोड आर वाइडली डिफरेंट, यानी कैथोड और एनोड जो होते हैं वो काफी मतलब कि काफी उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अगर बिग डिफरेंस है तो कोरोजन रेट बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। जैसे जिंक और आयरन, जिंक और आयरन के बीच में अगर देखा जाए तो वहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच में बहुत कम है, इसलिए दोनों को जब ऐड कर देंगे तो एक दूसरे को क्रोड नहीं करते हैं। लेकिन अगर इनके बीच डिफरेंस ज्यादा हुआ, यानी एनोड और कैथोड ज्यादा हो गया उनके बीच डिफरेंस, तो उस केस में क्रोधन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एनोड इलेक्ट्रॉन देगा, कैथोड इलेक्ट्रॉन लेगा, इससे क्रोधन काफी ज्यादा होता है, ठीक है। ऐसे ही जो हमारे बोल्ट होते हैं, स्क्रू होते हैं, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर स्क्रू है, बोल्ट है, नट्स है, मस्ट बी मेड फ्रॉम नोबल मटेरियल। भाई जो किसी आर्टिकल्स को जोड़ने के लिए
टू डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, लोहे का है, आयरन का है, उसको जोड़ने के लिए जो बोल्ट यूज करते हैं वो हमारे कैसे होना चाहिए, नोबल मटेरियल के होना चाहिए। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब उसको हम टाइट करते हैं तो कहीं ना कहीं पर वो क्या होता है, कहीं ना कहीं गैपिंग होती है, जहां पर मॉइस्चर ज्यादा मिलेंगे, जहां मॉइस्चर यानी ड्रॉप, वाटर ड्रॉप जो होगा ज्यादा कलेक्ट होगा, तो वहां पर क्लोजर रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हमने कुछ पॉइंट को यहाँ कवर किया है कि किस तरीके से आप अपने मेटल को हम कोरोजन से रोक सकते हैं। देखिए, ये जो हमने अभी तक हमने आपको कोरोजन के जो भी टॉपिक कवर किए हैं, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, और इनको अच्छे से आपको तैयार करना है। और प्लस इसके साथ ही साथ आपको बुक की भी स्टडी करनी है, जिससे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसके जो वर्ड्स आपके लिखने के लिए हैं वो काफी ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है, जिससे आपको अच्छे नंबर आ सके। तो इसमें जितनी भी चीजें हमने कवर किया, जिसमें स्टार्टिंग से कोरोजन की डेफिनेशन, फिर उसकी जो इफेक्ट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसकी थ्योरी, ठीक है, फिर उसके फैक्टर की जिसकी वजह से कोरोजन स्टार्ट होता है, फिर उसका प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोटेक्शन है कैथोडिक प्रोटेक्शन है। कैथोडिक प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, उसको अच्छे से तैयार करें, नहीं समझ में आता आप उसको बार बार वीडियो देखिए और उस चीज को क्लियर करिए।